वेलकम टू रेडियो में सिनावा नाइन क्लास। तो पिछले वीडियो में जो चैप्टर टू अध्याय जो पढ़ाया जा रहा है, अध्याय दो में आगे साथ का समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसने आप इसके पिछले वीडियो में खाड़ी देश में जो युद्ध हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसके अलावा सितंबर जो 11 है सॉरी 9/11 की जो घटना थी अमेरिका, उसका क्या प्रभाव पड़ा था, अमेरिका ने किस तरह से उन आतंकवादियों से बदला लिया था जिन्होंने 9/11 की घटना को अंजाम दिया था। अब आगे के इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, विश्व में वर्चस्व से आशय, यानी कि विश्व में वर्चस्व का क्या मतलब होता है। विश्व में वर्चस्व से आशय है, देखिए वर्चस्व का मतलब क्या होता है, दबदबा। इसी के लिए अगर हम वर्चस्व स्थापित करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम उस व्यक्ति के अंदर किसी व्यक्ति पर वर्चस्व स्थापित करते हैं जिसका मतलब क्या होता है, हम उससे दबदबा बना रहे। लेकिन क्योंकि ये जो पॉइंट है विश्व में वर्चस्व से आशय है, इसका मतलब क्या है, देखिए दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि विश्व में अगर हम वर्चस्व रख रहे हैं, किसी भी वर्चस्व रख रहे हैं तो उसके व्यवहारों को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता, जिससे हम क्या करें अपना मनचाहा काम करा सकें, जिससे किसी भी व्यक्ति किसी देश के देश की ले रहे हैं तो किसी भी देश पे किसी भी देश को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता, जिससे हम अपना मनचाहा काम करा सकें और उनके व्यवहारों को रोकें जो हमें नापसंद हो। अगर हम अपने मनचाहे ढंग से जो हम चाहते हैं वो काम किसी भी देश से करा सकें या किसी व्यक्ति से करा सकें और उनके व्यवहारों को उनको कामों को रोक सकें जो हमें नापसंद हो, तो इसी को क्या कहते हैं विश्व में वर्चस्व, या हम किसी व्यक्ति के वर्चस्व को भी इसी परिभाषा में लेंगे या एक देश का दूसरे देश के वर्चस्व है तो इसको भी हम इसी बात पे लेंगे। हुआ क्या कि 1991 में आपको मालूम है कि संयुक्त जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। अब जो पूरा शक्ति थी किसके हाथ में आ गई थी, अमेरिका के हाथ में आ गई थी। अब जो दो ध्रुवीयता था विश्व युद्ध के बाद संसार दो टुकड़ों में बट गया था, दो ध्रुवीयता था वो समाप्त हो गया क्योंकि रूस जो था सोवियत संघ वो समाप्त हो गया, वो बचा एक अमेरिका, तो पूरा जो संसार था एक ध्रुवीय हो गया था क्योंकि पूरी शक्ति अब किसके पास हो गई थी, अमेरिका के पास हो गई थी। इसके अलावा अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका का यही से वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तभी से क्या हुआ था अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया था। अब वो वर्चस्व कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है, सैन्य क्षेत्र में या फिर आर्थिक क्षेत्र में और इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में वो वर्चस्व लगातार बढ़ता रहा कई क्षेत्रों में, जिसमें से हम कुछ दो तीन पॉइंट जो है इस संबंध में उसके बारे में समझेंगे। उसमें पहला जो है अमेरिका के जो वर्चस्व के आयाम है उसमें पहला पॉइंट क्या है, सैन्य क्षमता के रूप में जो अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा था उसमें पहला किसके बात करेंगे, सैन्य क्षमता के रूप में। पहला पॉइंट क्या, अमेरिका का जो वर्चस्व बढ़ा था सैन्य क्षमता के में अभी इसके बारे में आपको बताऊं। देखिए अब एक हीगेमनी या हेजेमनी, ये इसका मतलब क्या होता है, आधिपत्य या नेतृत्व, इसको क्या कहते हैं हेगेमनी या सॉरी हीगेमनी या हेजेमनी। इसका मतलब क्या होता है, आधिपत्य, देखिए उसमें यूनान में बहुत सारे नगर राज्य थे जैसे स्पार्टा, एथेंस। अब एथेंस को हेगेमनी शब्द का प्रयोग एथेंस की महत्ता को दिखाने के लिए किया जाता था, हेगेमनी जो है हेगेमनी या हेगेमनी इस शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एथेंस की महत्ता या श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए ही हेगेमनी शब्द या हेगेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब अगर हम अमेरिका की बात करें संरक्षण और अमेरिका का, अब अमेरिका का अपने देश को छोड़ के, अमेरिका बहुत बड़ा देश है उसको छोड़ के अमेरिका से बाहर अमेरिका के कितने सैन्य ठिकाने थे, 700 सैन्य ठिकाने थे,
उनसार प्रसव से ऐसे संसार के विभिन्न भागों में मेडिया के साथ सैन्य ठिकाने थे। उन सैन्य ठिकानों की मदद से मतलब कि उन सैन्य ठिकानों में अमेरिका के साथ जो सामान जो सैनिक साथ जो सामान होते हैं वो पूरी तरह से भरे पड़े थे। यानी कि इसका मतलब क्या था, अमेरिका किसी भी देश के किसी भी कोने में सैन्य कार्रवाई कर सकता था, क्योंकि लगभग संसार में 200 देश है, 200 देश के संसार के लिए लगभग 200 देश हैं, और अमेरिका के सैन्य ठिकाने संसार के लिए थे 700 जगहों पे जो पूरे साजो सामान से भरे पड़े थे। तो देश के किसी भी देश के किसी भी कोने में अमेरिका तत्काल सैन्य कार्रवाई कर सकता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, एबटाबाद। एबटाबाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एबटाबाद का है पाकिस्तान में हुआ क्या कि अमेरिका को अमेरिका ने एबटाबाद अमेरिका के जो सैनिक थे एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन जो सबसे खतरनाक आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया पाकिस्तान में घुस के। और जो पाकिस्तानी रडार था, रडार क्या होता है कि रडार वो होता है कि अगर कोई देश की सेना या कोई व्यक्ति या कोई बता सकते हैं कि एक एरोप्लेन हो गया या कोई एयरक्राफ्ट कुछ भी हो गया किसी देश की सीमा के अंदर प्रवेश करता है तो ये रडार तुरंत सूचना देते हैं कि कोई दुश्मन या कोई व्यक्ति या कोई साधन आप हमारे देश के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो अमेरिका पाकिस्तानी रडार था उसको मालूम नहीं चला कि अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में घुस गए उसके आतंकवादी को मार दिए। अब यहाँ तक ये संघर्ष 40 मिनट ऐसा नहीं 2 मिनट में 1 मिनट में मार ही चले गए, ये जो संघर्ष था 40 मिनट तक चला था। 40 मिनट के बाद ये ओसामा बिन लादेन को मारने में सफल हुए थे। तो ये था अमेरिका का सैन्य क्षमता, ये अपने सैन्य क्षमता के साथ अमेरिका ने दूसरे देश के सीमा के घुस के वहाँ के आतंकवादी को मार दिया। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अमेरिका का जो अमेरिका 600 अरब डॉलर का अमेरिका का रक्षा बजट है कितना है 600 अरब डॉलर। अमेरिका का जो रक्षा बजट कितना है 600 अरब डॉलर का है, जो संसार में किसी भी देश के रक्षा बजट से सबसे अधिक है 600 अरब डॉलर। यहाँ तक कि 10-15 देश मिला करके जो संसार के बड़े शक्तिशाली देश हैं 10-15 देश वो 10-15 देश मिला करके भी उनका रक्षा बजट अमेरिका के रक्षा बजट के बराबर नहीं होता है। जो संसार के बड़े शक्तिशाली देश जिनमें हम रूस का नाम लेते हैं, चीन का नाम लेते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश मिलकर भी अमेरिका के 600 अरब डॉलर के रक्षा बजट के बराबर नहीं है। 2004 के आसपास का एक ही बात है, 2004 में अमेरिका का रक्षा बजट कितना था 455 लगभग 455 अरब डॉलर 455.9 अरब डॉलर था, ये 2000 की बात है। वहीं अगर हम चीन की बात करें, चीन का जो रक्षा बजट था कितना था, चीन का जो रक्षा बजट था 84.2 अरब डॉलर था। वहीं रूस का रक्षा बजट कितना था 61.5। तो अब हम तुलना करें 2005 के रक्षा बजट, जहाँ अमेरिका का रक्षा बजट कितना था 455.9 अरब डॉलर, उस समय चीन का था सिर्फ 84.2 और रूस का था कितना 61.5 अरब डॉलर। इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि रक्षा बजट के मामले में अमेरिका ने कितना खर्च किया है, वो अपने सैनिकों के लिए अपने सैनिक साजो सामान में कितना ज्यादा खर्च कर सकता है करता है। इसी वजह से सैनिक क्षमता जो अमेरिका की है वो सबसे शक्तिशाली है। अमेरिका की सैनिक क्षमता का कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, जो यहाँ पे इन पैसों पे दिखता है। अब देखिए, तो यहाँ से मानते जाता है कि जो अमेरिका का वर्चस्व था वो सैनिक क्षमता में कितना ज्यादा था, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए, सैन्य बल का जो उपयोग किया जाता है, सैन्य बल के उपयोग का जो उद्देश्य होता है वो चार उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कोई भी देश सैन्य क्षमता का उपयोग करता है उसका चार उद्देश्य होता है। पहला क्या होता है कि किसी भी देश पर आक्रमण करना, उसको जीतना। दूसरा क्या होता है, उस देश के आक्रमण को रोकना। फिर तीसरा होता है उस देश को दंडित करना। और चौथा क्या होता है कि उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना। ये चार उद्देश्य होते हैं।
किसी भी देश को अगर वो गलती कर रहा है उसको आक्रमण को उसको हराना, उसको दंड देना, उसके आक्रमण को रोकना, और चौथा क्या है कि वहां पे शांति व्यवस्था की स्थापना करना। जो तीन ऊपर के तीन जो उद्देश्य है वो बहुत ही आसान है, उनको कोई भी देश कर सकता है। जैसा कि सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई थी, इराक के राष्ट्रपति ने सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो चौथा एक उद्देश्य है कि किसी भी देश में शांति व्यवस्था की स्थापना करना, ये काफी कठिन है, क्योंकि इराक जो है, इराक में यहाँ के अमेरिका के साथ साथी देशों ने आक्रमण किया, तो वहां पर जो अराजकता फैली वो आज तक विद्यमान है, वहां पर आज भी शांति व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकी है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तो अमेरिकी जो सैनिक थे वो काफी वर्षों तक रहे, 10-15 वर्ष 20 वर्ष तक रहे, लेकिन इसके बावजूद इतने वर्षों तक रहने के बावजूद भी वो जो अमेरिकी सैनिक थे वहां पर शांति की स्थापना नहीं कर सके। तो ऊपर के तीन उद्देश्य बहुत ही आसान थे, लेकिन चौथा उद्देश्य काफी मुश्किल था। ये था अमेरिका की सैन्य क्षमता। अब दूसरा क्या है, धन दौलत और ढांचागत ताकत के रूप में जो दूसरा अमेरिका का वर्चस्व था वो क्या है, धन दौलत और ढांचागत ताकत। धन दौलत और ढांचागत ताकत के रूप में देखिए, अब इसका क्या मतलब, धन का मतलब क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र, धन को हम आर्थिक संसाधन से लेते हैं। तो देखिए किसी भी देश के जो संसाधन होते हैं, किसी भी देश के संसाधन राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर किसी देश के जो आर्थिक संसाधन है मुख्य रूप से सीधे किसको प्रभावित करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं। अब संसाधनों में कई बातें होती हैं, जैसे भू विस्तार हो गया, जनसंख्या हो गया, खाद्यान्न हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, यहाँ तक प्राकृतिक संसाधन, ये सारी बातें होती हैं। अब किसी भी देश में अगर खनिज पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन है तो वो सिर्फ खनिज पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन से उसका उपयोग नहीं होता है, मतलब कि किसी भी देश में एक खनिज संसाधन या प्राकृतिक पदार्थ होने से मतलब नहीं है, बल्कि क्या है, प्राकृतिक संसाधन होने से मतलब नहीं है, बल्कि क्या है कि उस देश में उन चीजों का, उन प्राकृतिक संसाधन और खनिजों का उपयोग कैसे किया जा रहा है और इसका उत्पादन कैसे किया जा रहा है, ये भी उसपे निर्भर करता है। किसी देश के विकास के लिए सिर्फ वहाँ के संसाधनों का होना जरूरी नहीं है कि इस देश में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है तो वो देश विकास कर लेगा, बल्कि उसका उपयोग वो कैसे कर रहा है, उससे उत्पादन कैसे कर रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका का जो धन दौलत यानी कि आर्थिक क्षेत्र में जो अमेरिका का वर्चस्व था वो हम कैसे जानेंगे, इसके भी कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर हम जानेंगे कि अमेरिका का जो आर्थिक वर्चस्व था, क्योंकि सैन्य वर्चस्व हमने जाना कि अमेरिका सबसे ज्यादा रक्षा बजट पे पैसा खर्च करने वाला देश था। अब अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व कैसा कैसे बढ़ाया, उसका वर्चस्व कैसे बढ़ता गया, इसमें कुछ पॉइंट है जिसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सार्वजनिक वस्तुओं को जुटाने में अमेरिका की भूमिका है। अब इसमें पहला है सार्वजनिक वस्तुओं को जुटाने में अमेरिका की भूमिका, या हम आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका की आर्थिक उपलब्धि का वर्णन कर रहे हैं, आर्थिक जो वर्चस्व था, तो जो पहला पॉइंट है सार्वजनिक वस्तुओं को जुटाने में अमेरिका की भूमिका थी। सार्वजनिक वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि इसके एक देश का अधिकार न हो, सार्वजनिक वस्तु का मतलब होता है अगर देश के हिसाब से देखेंगे किसी एक देश का उसके अधिकार न हो, ये सार्वजनिक वस्तु में इसमें आएंगे उस देश, किसी भी देश की सीमा के जो बाहर का समुद्री क्षेत्र होता है, सार्वजनिक वस्तु में किसी भी देश के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी देश की सीमा के बाहर का जो समुद्री क्षेत्र होता है, जो वायुमंडल है, वो क्या किसमें आएगा, वो सार्वजनिक वस्तुओं में आएगा। कौन बनाएगा, किसी भी देश की सीमा के बाहर का समुद्री क्षेत्र और वायुमंडल, ये आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। देखिए जो विश्व के अधिकांश जो व्यापार होते हैं कैसे होते हैं, समुद्री मार्गों के द्वारा होते हैं और समुद्री जहाजों के द्वारा, समुद्री मार्गों के द्वारा अन्य देशों से आयात निर्यात या वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का जो व्यापार होता है, अधिकांश व्यापार कैसे होता है, समुद्री मार्गों के द्वारा, समुद्री जहाजों के द्वारा इसका वस्तु का व्यापार होता है। अब उन समुद्री मार्गों
कि जो क्या कहते हैं कि समुद्री मार्गों की देख रेख करना काफी अनिवार्य है। जैसे कि हम किसी सड़क से यात्रा करते हैं तो सड़क की देखभाल करना जरूरी है, उसी तरह से अगर समुद्र से वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो हमें क्या किसी देश को ये एक काम मिला होता है कि वो क्या करे, उस समुद्री मार्ग की सुरक्षा करे। अब क्योंकि अगर समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेंगे तो उससे व्यापारी को फायदा होगा, साथ ही साथ जो समुद्री जहाजें होंगी उसको फायदा होता है, क्योंकि अगर समुद्री मार्ग अच्छे से उसका अच्छे से उपयोग नहीं किया जाए, उसका रख रखाव नहीं किया जाए, तो ये दोनों के लिए काफी क्या हो सकता है, खतरा साबित हो सकता है। तो देखिए विश्व युद्ध से विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन जो था वो उसकी जो समुद्री शक्ति थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन ब्रिटेन के कमजोर होने के बाद ये पूरा काम किसको सौंप दिया गया, अमेरिका को सौंप दिया गया। अब इन सभी राष्ट्रों की निगरानी करना, उसका रख रखाव करना किसकी जिम्मेदारी हो रही थी, अमेरिका की जिम्मेदारी हो रही थी, वो उन समुद्री मार्गों का रख रखाव करें ताकि व्यापार आसानी से सुगमता से किया जा सके। तो अमेरिका ने ये जाहिर अपने हाथ कंधे पे ले लिया, क्योंकि अमेरिका उस समय सबसे शक्तिशाली था, तो पूरा रख रखाव किसके द्वारा किया जाने लगा, अमेरिका के द्वारा किया जाने लगा। यहाँ तक की जो अधिकांश जो व्यापारी लोग थे वो अमेरिका के साथ व्यापार करना भी शुरू कर दिए थे। तो ये था सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, विश्व व्यापार में अमेरिका का हिस्सा। विश्व व्यापार में अमेरिका का हिस्सा, यानी इस वर्चस्व में पढ़ रहे हैं धन दौलत और भाषा, यानी कि आर्थिक वर्चस्व क्षमता हमने देख लिया, और आर्थिक वर्चस्व में हम अमेरिका का देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से आर्थिक वर्चस्व अमेरिका का बड़ा, तो उसमें जितना पार्ट क्या है, विश्व व्यापार में अमेरिका का हिस्सा। किसी देश से वस्तुओं को अगर खरीदा जाता है जिसको क्या कहते हैं, आयात व्यापार। किसी देश से अगर वस्तु को हम खरीद रहे हैं तो आयात व्यापार करते हैं, अगर वस्तु को हम अपने देश से दूसरे देश में बेच रहे हैं जिसको क्या कहते हैं, निर्यात व्यापार। तो अमेरिका का और जो अन्य यूरोपीय संगठन थे, यूरोपीय देश थे, पश्चिम के यूरोपीय देश थे, उन सभी लोगों को मिला सकते हैं कि अमेरिका और साथ ही यूरोपीय संगठन उनको मिला करके दूसरा व्यापार कितना होता है, 15.5%। देखिए अकेले अमेरिका और यूरोपीय संघ का मिला करके पूरा संसार का व्यापार होता है 15.5%, अकेले अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा व्यापार होता था। यहाँ पे अधिकांश जो व्यापार होता था, अधिकांश देश अमेरिका के साथ व्यापार करना पसंद करते थे, क्यों, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व उसमें बढ़ता हुआ चला जा रहा था। तो ये था विश्व व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका का प्रभुत्व भी बढ़ता हुआ चला जा रहा था। जो तीसरा अगला पॉइंट क्या है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। और इसने अमेरिका का प्रभुत्व कैसे बढ़ा था, तीसरा जो पॉइंट है IMF विश्व बैंक विश्व व्यापार संगठन, ये हम किसमें देख रहे हैं, अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व। देखिए IMF का था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखिए 1944 जो 40 देश थे, तो 40 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स ने 1944 में 40 देशों के जो प्रतिनिधि थे अमेरिका के, न्यू हैम्पशायर एक अमेरिका का राज्य है जिसका क्या नाम है, न्यू हैम्पशायर। तो न्यू हैम्पशायर में न्यू हैम्पशायर के ग्रेटर वुड्स नामक स्थान में एक क्या किया, एक मीटिंग की, और उन्होंने उस मीटिंग में क्या कहा कि विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पर बल दिया। एक विश्व युद्ध के बाद हैम्पशायर ने उन्होंने एक मीटिंग किया, यानी कि समझौता किया या मीटिंग किया, उन्होंने बातचीत की, उसके बाद उन्होंने एक IMF
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पे बल दिया कि एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया जाना चाहिए। अब इस प्रकार ब्रिटेन कुछ व्यवस्था से आर्थिक नाम है जो विश्व युद्ध के बाद यानी कि इसी को क्या कहा गया ब्रिटेन कुछ व्यवस्था जो ब्रिटेन कुछ नाम का स्थान है आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पे बल दिया गया इसी को क्या कहा गया ब्रिटेन कुछ व्यवस्था। अब इसके बाद क्या किया गया अंतरराष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई ब्रिटेन कुछ व्यवस्था के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय बैंक यानी कि विश्व बैंक की स्थापना की गई। फिर विश्व बैंक की स्थापना के बाद 1947 ईस्वी में व्यापार के कानून जैसे कि किसी भी क्षेत्र में कानून अनिवार्य है उसके लिए एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे थे तो व्यापार और व्यवसायिक नीति के लिए 1947 ईस्वी में सीमा शुल्क व व्यापार आम सहमति इसकी सीमा शुल्क और व्यापार आम सहमति सीमा शुल्क और व्यापार आम सहमति 1947 में सीमा शुल्क और व्यापार आम सहमति की स्थापना की गई जिसे हम क्या कहते गए जिसे तुमने क्या कहा जाता था गए जी ए डबल टी गैप के नाम से जाना जाता है। 1947 में सीमा शुल्क और व्यापार आम सहमति की स्थापना किसे क्या कहते गैप और 1955 से इसे क्या किस नाम से जाना जाने लगा 1955 से इसको WTO के नाम से जाना जाने लगा इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं विश्व व्यापार संगठन ये जो विश्व व्यापार संगठन है 1955 से किस नाम से जानते हैं विश्व व्यापार संगठन लेकिन 1947 में जो इसकी स्थापना की गई इसको गैप कहते थे यानी कि सीमा शुल्क और व्यापार आम सहमति। तो ये सारी चीजें थी यानी कि विश्व व्यापार संगठन विश्व बैंक और आईएमएफ की वजह से व्यापार को और बढ़ावा मिला जो किसी और ये जो सारी चीजें बनाई गई उसका मुख्यालय कहां था लगभग अमेरिका में था इसका विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्योंकि अमेरिका का उस समय प्रभुत्व काफी ज्यादा था। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट है विंडोज सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी देखिए जो कि विंडोज सॉफ्टवेयर है विंडोज सॉफ्टवेयर है ये कौन बनाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती थी तो इसको बना करके कोई दूसरा व्यक्ति बेच नहीं सकता था इस सॉफ्टवेयर के किसका एक अधिकार था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही विंडोज सॉफ्टवेयर बेचेगी दूसरा कोई व्यक्ति विंडोज सॉफ्टवेयर बेच नहीं पाएगा तो इसके वजह से जो बिल गेट्स है क्योंकि विंडोज सॉफ्टवेयर के मालिक कौन थे बिल गेट्स तो बिल गेट्स बढ़ती हुई चली जाती है। इसमें का लास्ट पॉइंट क्या है इंटरनेट तकनीक इंटरनेट जो तकनीक है इसकी भी शुरुआत कहाँ हुई अमेरिका में हुई अमेरिका के जो रक्षा विभाग थे अनुसंधान विभाग रक्षा विकास और अनुसंधान विभाग ने इंटरनेट तकनीक की शुरुआत की क्यों किया गया इंटरनेट तकनीक की शुरुआत अमेरिका के रक्षा विकास और अनुसंधान विभाग द्वारा क्यों किया गया ताकि जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो रक्षा और विज्ञान से संबंधित खोजों को यानी कि जो भी खोज करना है रक्षा से संबंधित या विज्ञान से संबंधित उसका जो भी
खोज करना है वो इंटरनेट की तकनीक के माध्यम से वो कर सके, जो भी सरकार को सूचना देना है वो इसके माध्यम से दे सके। तो शुरू में इंटरनेट की जो तकनीक शुरुआत की गई थी द्वारा उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रक्षा और जो वैज्ञानिक जो खोजें हैं उसको क्या करना, उसे खोज में आसानी प्राप्त करना, आसानी से खोजों को करना और सूचना का आदान प्रदान करना है। सरकार को सूचना देना है, किसी को भी सूचना देना है तो वैज्ञानिक तरीके से इंटरनेट के जरिए सूचना दे सकते हैं। अब शुरू में इसके लिए इंटरनेट की शुरुआत की गई, लेकिन बाद में व्यापार के लिए ही इंटरनेट को लागू कर दिया गया कि व्यापार के क्षेत्र में इंटरनेट को लागू किया गया। इसके अलावा बाद में आजकल के जमाने में अब इंटरनेट का जो प्रयोग होता है हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो जाए, खेल के क्षेत्र में हो जाए, या हर क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। अब इंटरनेट जो होता है वो उपग्रह की वजह से इंटरनेट हमारे पास पहुंच पाता है, तो उन उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं सबसे कहाँ से बनते हैं, अमेरिका, सैटेलाइट को अमेरिका बेच कर बना करके बेच करके भी काफी अधिक धन कमाता है। तो ये सारे जो पॉइंट थे वो अमेरिका की आर्थिक कहानी को दिखाते हैं कि आर्थिक विकास अमेरिका की तरह से तेजी से बढ़ने लगा, सैन्य क्षमता तो बढ़ा है, आर्थिक विकास के इन सभी पॉइंटों के हिसाब से अमेरिका का हुआ था। अब अगला जो पॉइंट है तो हमने अमेरिका के वर्चस्व में क्या क्या पढ़ा, एक सैन्य क्षमता और एक आर्थिक क्षमता। अब अगला जो पॉइंट है अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व, अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व। देखिए अब सांस्कृतिक वर्चस्व जो है, सांस्कृतिक वर्चस्व के संबंध में हम उदारवाद, लोकतंत्र और अधिक आर्थिक आजादी का जिक्र करते हैं। अगर हमें सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में अगर हमें जानना है तो सांस्कृतिक वर्चस्व के संबंध में हम उदारवाद की बात करेंगे, उदारवाद लोकतंत्र और आर्थिक आजादी का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये वे मूल्य है जिसको अमेरिकी जो अमेरिकी जनता थी वो बहुत अधिक महत्व देती थी, इन्हीं मूल्यों को अमेरिकी जनता बहुत ज्यादा महत्व देती थी। क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी क्या, कौन सी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा जाती रही, धीरे धीरे उसका प्रभाव समाप्त होता चला गया। बाद में कौन सा प्रभाव आया, उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा का प्रभाव पूरे संसार में धीरे धीरे क्या हुआ, फैलने लगा। तो मतलब यह है कि अमेरिका उस समय उदारवादी विचारधारा की शुरुआत की, वो विचारधारा चारों तरफ क्या धीरे धीरे फैलने लगी, और जो सोवियत संघ का विचारधारा था क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके विघटन के साथ ही साम्यवादी विचारधारा भी समाप्त हो गई। अब जो सांस्कृतिक वर्चस्व था अमेरिका का, इसमें कुछ पॉइंट के द्वारा हम जान लेते हैं। पहला क्या है कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन की वजह से समाजवादी विचारधारा का ह्रास हो गया, समाजवादी विचारधारा का ह्रास होने के बाद उदारवादी विचारधारा की शुरुआत हो गई। इसके बाद सांस्कृतिक वर्चस्व में और हम क्या कर सकते, जो सांस्कृतिक वर्चस्व था इसको खान पान में अगर हम लेते हैं, खान पान के क्षेत्र में क्या हुआ कि पेप्सी कल्चर जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, पेप्सी कल्चर फास्ट फूड कहते हैं। अब अमेरिका का जो जीवन है वो काफी क्या होता है, भाग दौड़ वाली जिंदगी होती है, तो वहाँ पे भी खाने का टाइम नहीं मिलता, तो कहीं पे जाकर खाना खाने लगते हैं, होटल में पिज्जा बर्गर खा लेते हैं। तो पिज्जा बर्गर खाने का मतलब क्या है कि उस पिज्जा बर्गर का इतना महत्व बढ़ गया, वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि वो अन्य देशों में भी फैल गया। तो वो सांस्कृतिक प्रभाव था, अमेरिका का सांस्कृतिक प्रभाव था, क्योंकि पिज्जा बर्गर जो था वो अमेरिका के भाग दौड़ की वजह से उनके पास टाइम है जैसे वो खा लेते थे, क्योंकि चलते भी खा लेंगे, बैठते भी खा लेंगे, तो उस पिज्जा बर्गर का प्रभाव था कि वो अन्य देशों में भी फैल गया। वही खान पान तो ये हो गया। अब पहनावा की अगर बात करें, क्योंकि सांस्कृति में खान पान भी आता है, पहनावा भी आता है, तो पहनावा में क्या है कि जो जींस होता है अमेरिका से ही आया, जींस का शुरुआत कहाँ हुआ, अमेरिका में। अब जींस को लड़के लड़के सही पहनते हैं, लेकिन उनको थोपा नहीं जाता कि लड़के को ये जींस ही पहनना है, लड़की को जींस ही पहनना है, कोई पहनता है क्योंकि उन्हें वो अच्छा लगता है। तो वो जो प्रभाव था वो विचारधारा में लोगों को थोपा नहीं गया, बल्कि उन्होंने क्या किया उसके लोकप्रिय होने के कारण उसको अपनाया। तो ये सांस्कृतिक वर्चस्व अमेरिका का अन्य देशों में देखने को मिलता है। अब आगे थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ कि जो अमेरिका का वर्चस्व था
अमेरिका के वर्चस्व को कौन कौन से नियंत्रित करने वाले कारक थे, अमेरिका के वर्चस्व को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक थे? अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित करने वाले कारक, ये अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित करने वाले कई कारक जिनमें हम पहला पॉइंट डालेंगे नाटो में शामिल होने वाले देश, नाटो में शामिल होने वाले जो अमेरिका के मित्र थे वे नाटो में शामिल हो गए थे। खासतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए क्या किया, एक संगठन बनाया जिसे हम क्या कहते हैं नाटो। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ अटलांटिक नीति ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का पूरा नाम क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब जो नाटो में शामिल हुए थे अमेरिका के मित्र राष्ट्र, तो ये मित्र राष्ट्र शामिल होने के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो मित्र राष्ट्र थे वो तो नाटो में शामिल ही हुए थे, लेकिन सोवियत संघ के जो गणराज्य थे भी उनमें से भी कुछ राज्य क्या हुए नाटो में शामिल हो गए। अब अमेरिका ने क्या किया, उन नाटो का संगठन का प्रयोग करके अपने प्रभाव में वृद्धि की, नाटो में जब ज्यादा देश शामिल हुए तो अमेरिका का प्रभाव और ज्यादा बढ़ता चला गया। अब क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या हुआ कि जो अन्य नाटो के संगठन थे अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र थे खासकर पश्चिमी यूरोपीय देश, उन्होंने भी क्या किया अपनी शक्ति का अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उस प्रभाव बढ़ाने से हुआ क्या कि अमेरिका का जो वर्चस्व था वो अब ज्यादा उसको नियंत्रित करने में उन देशों का योगदान हो गया, क्योंकि अमेरिका ज्यादा वर्चस्व अपना स्थापित नहीं कर सकता था क्योंकि अन्य देशों का भी प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अन्य देशों के हम क्या कर सकते जो पश्चिमी के यूरोपीय देश थे उनका भी प्रभाव धीरे धीरे क्या हुआ बढ़ने लगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अमेरिकी शासन व्यवस्था, अमेरिका का जो वर्चस्व बड़ा था उसको कौन कौन से कारक नियंत्रित कर सकते थे, नाटो के देश थे। दूसरा क्या है, अमेरिका शासन व्यवस्था। अब ये कैसे अमेरिका का वर्चस्व को नियंत्रित करेगा, तो देखिए अब अमेरिका जो संविधान है वो किसके आधारित है, संतुलन तथा नियंत्रण के आधारित है। अमेरिका का जो संविधान बनाया गया था संतुलन और नियंत्रण को लेकर बनाया गया था। अब जैसे कि अमेरिका का जो कार्यपालिका है व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए क्या अमेरिका संविधान बनाया गया था, तो संतुलन और नियंत्रण का संविधान था वो क्यों बनाया गया था, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए यह अमेरिका संविधान बनाया गया था। जैसे कि अब इसमें यह है कि जैसे कि कोई रक्षा कोई सॉरी बजट पेश करना होता तो अमेरिकी राष्ट्र को काफी मशक्कत करना पड़ता, आसानी से बजट पेश नहीं हो पाता। यहाँ तक इराक की जो सेना थी, इराक में जब सेना भेजा गया था तो वहाँ पे जो संसद के लोग थे ये क्या कर रहे थे कि एक कोई स्थिति निश्चित कर दी जाए कि अमेरिका के सैनिकों को इतने रेट तक आना, क्योंकि उसके जो खर्च लग रहे थे संसद लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अब ज्यादा दिन तक किसी भी देश में सैनिक रहेंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो खर्च जो पैसा ज्यादा खर्च होगा वो पैसा वित्त विभाग देता है, यानी कि संसद में पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, तो संसद को पैसा देने के लिए क्या थी पैसा देने के लिए वो मना कर रहे थे, जबकि राष्ट्रपति ये कह रहे थे कि उन्हें जो सेना है वो इराक में ही रहने दिया जाए। ये सारे जो बातें थी वो क्या करती है अमेरिकी वर्चस्व को क्या कर रही थी, नियंत्रित कर रही थी। अगला पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट जनसंचार के साधन, अब जनसंचार के साधन
का मतलब क्या होता है कि टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, जन संचार का टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये सारे जन संचार के साधन के अंतर्गत आते हैं। अब इन जन संचार के साधनों के अमेरिकी सरकार का कोई भी दबाव या कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं था। जन संचार के जो भी साधन थे, टेलीविजन या रेडियो या समाचार पत्र पे अमेरिकी सरकार का कोई दबाव या प्रभाव नहीं था। तो ये सरकार की सरकार के खत्म किया गया, आसानी से कमियों को दिखा के जनता को दिखा सकते थे, क्योंकि हाँ सभी को मालूम है जो जन संचार के साथ बनते हैं रेडियो टेलीविजन या समाचार तो देश के कोने कोने तक आम आदमी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये जन संचार का जो शक्तिशाली साधन था वो आम जनता तक पहुंचता था, सरकार के कर्मी को था साधन था, इसका मतलब ये था ये सरकार जो अमेरिकी सरकार की अमेरिका था उसके वर्चस्व को नियंत्रित करने के जन संचार के साधनों के ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था आज का टॉपिक, जो अमेरिका का प्रभाव था या अमेरिका का वर्चस्व था वो तीन क्षेत्रों में था, सैन्य क्षमता में, औद्योगिक आर्थिक क्षेत्रों में, और तीसरा किसमें था, तीसरा जो था वो सांस्कृतिक क्षेत्र में। अब इसके अलावा उन वर्चस्व को नियंत्रित कौन कौन कर सकते थे, वर्चस्व को नियंत्रित करने वाले नाटो के संगठन के देश थे और अमेरिकी शासन व्यवस्था था और जन संचार के साधन थे। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट था ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।